सो ही स्टार्ट करते हैं मेकअप सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है मैंने क्लीनो वाइप्स यूज़ किया है फेस को क्लीन कर लिया है मैंने उसके बाद आपको लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना है क्योंकि ड्राई लिप्स पे लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है उसके बाद मैं टोनर लगा रही हूँ मेरी ड्राई स्किन है और मैं ड्राई स्किन का टोनर लगा रही हूँ क्योंकि हम लोग ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं और हमको मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चाहिए स्वेट प्रूफ चाहिए तो इसीलिए टोनर लगाना ज़रूरी है इसे मैं ड्राई स्किन का स्पेसिफिक जो टोनर आता है ना वो लगा रही हूँ फिर आपको दो मिनट रुकना है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है तो मॉइस्चराइजर मैंने मेक मोर का यूज़ किया है आप लोगों को अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर चाहिए तो आप लोग प्रो इफेक्ट्स का भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो ड्राई स्किन पर बहुत अच्छा है वो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको जेल मॉइस्चराइजर यूज़ करना है जैसे पैक का एक्वा ब्लास्ट क्योंकि आज हम लोग ब्राइडल मेकअप कर रहेगा गाइस तो बहुत जरूरी है कि आप लोग क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग बहुत ही अच्छे से करो क्योंकि उसी से बेस अच्छा बनेगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा तो जैसे मैं मॉइस्चराइजर लगा रही हूं ध्यान से देखो और वैसे ही आपको भी लगाना है अच्छे से फेस पे हर एक कोने पे मॉइस्चराइजर लगना चाहिए चिन पे चीक्स पे नोज पे फॉरहेड पे और अंडर आइज पे भी थोड़ा सा लगा लेना अगर आप लोग आई क्रीम नहीं लगा रहे हो तो फिर एक मिनट रुको ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो आपके स्किन में उसके बाद मैं प्राइमर लगा रही हूँ तो मैंने आज जो प्राइमर लिया है वो प्रो इफेक्ट्स का प्राइमर है प्राइमर सीरम है मतलब सिलिकॉन भी है उसमें और सीरम भी है तो सिलिकॉन क्या करेगा आपके मेकअप को एकदम लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा स्वेट प्रूफ बनाएगा और सीरम क्या करेगा ना वो आपकी स्किन को एकदम हाइड्रेटिंग बनाएगा तो उससे क्या होगा कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको हाइड्रेशन भी मिलेगा और आपकी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी तो ये ड्राई स्किन का सीरम है

ऑरेंज दिख सकता है तो आपको वैसे येलो लगा के थोड़ा उसको टोन डाउन करना और फिर ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन फाउंडेशन के लिए मैंने लिया एस ऑर्डर का थ्री डब्लू टू कैश और उसमें Mac का एनसी थर्टी फाइव थोड़ा मिक्स कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा परफेक्ट शेड है फिर अभी मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ ओके okay? तो ये फाउंडेशन में मैंने क्या किया है ना मेकअप फॉर का एक्वा सील है ये ये एक ड्रॉप मिक्स किया है इससे क्या होता है आपका मेकअप एकदम लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा स्वेट प्रूफ हो जाएगा आप पानी के नीचे जाओ या यू you नो know, समंदर में जाओ कहीं पर भी जाओगे आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकलेगा कितना भी पसीना है कितना भी ऑयल छूटे कुछ भी हो आपका मेकअप बिल्कुल भी नहीं छूटेगा मैं पानी डाल के भी दिखाऊंगी मेकअप होने के बाद आप लोग देख लेना अपने आँखों से अभी आपको बस एक ड्रॉप वो डालना है अच्छे से फाउंडेशन में मिक्स कर लेना है और फिर आप जैसे नॉर्मली फाउंडेशन लगाते हो ना वैसे ही आपको लगाना है मैंने प्रो इफेक्ट्स का ब्रश लिया है जीरो जीरो फोर टू और फिर मैं अच्छे से अपने फेस पे ये फाउंडेशन लगा रही हूँ बस एक या दो ड्रॉप मैंने वो एक्वासिल मिक्स किया अगर आपके पास मेकअप फॉर एवर का एक्वासिल आपको नहीं मिल रहा है बहुत महंगा लग रहा है तो आप लोग प्रो इफेक्ट्स का मिलान जयल आता है वो भी मिक्स कर सकते हो उससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है इसमें से तो भी चलेगा गाइस अगर आप सिर्फ पाउडर भी लगाओगे ना अच्छे से फाउंडेशन के बाद तो भी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है बट अगर बहुत एक्सट्रीम वेदर है बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत पसीना आ रहा है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कंट्रोल तो उस केस में आप लोग ऐसे एक्वासील यूज कर सकते हो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ बनाने के लिए और गाइस और एक हैक ये है कि अगर आपके हेयर लाइन पर लगता है फाउंडेशन जैसे मेरे हमेशा ही लगता है तो ऐसे ही बस थोड़ा सा टिश्यू पेपर रख लेना और फिर फाउंडेशन लगाना ताकि बालों पर ना लगे फाउंडेशन और सिर्फ फेस पे लगे और फिर आपको ब्लेंडर लेना है मैंने प्रो इफेक्ट्स का ब्लेंडर लिया है अच्छे से ब्लेंड कर लेना है क्योंकि ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं थोड़े बच जाते हैं तो इसलिए ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करो ताकि थोड़ा सा फ्लॉलेस लगे देखो ये है एक्वासिल मेकअप फॉर का अभी इसके बाद मैं लगा रही हूँ कंसीलर कंसीलर मैंने डायरेक्ट लगाया इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया है ठीक है तो टार्ट का शेड है ये मीडियम शेड का कंसीलर है फिर उसके बाद मैंने ब्रश लिया है रेयर ब्यूटी का और फिर ब्लेंड कर रही हूँ पहले ब्रश के साथ ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को और फिर उसके बाद ब्लेंडर लिया है सेम ब्लेंडर है और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और सेट कर लीजिए अपने कंसीलर को एक बार ये ब्लेंडिंग हो गया उसके बाद मैं कॉन्टोर लगा रही हूँ मैंने एलेगल का कॉन्टोर यूज़ किया है मतलब कंसीलर ही है डार्क शेड का कंसीलर है टोस्ट शेड है इसका प्रो इफेक्ट्स का ब्रश यूज़ किया है और जैसे नॉर्मली हम लोग कॉन्टोर लगाते हैं चीक बोन के नीचे जॉलाए नोज़ के एचेज़ पे वैसे पूरा कॉन्टोर लगा लिया है और फिर उसको हम लोग ब्लेंड कर लेंगे अभी एक बार आपका कॉन्टोर ब्लेंड हो गया ना अभी देखो देखोगाइज हम लोग ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं तो अंडर आइज और थोड़ा ब्राइट दिखना बहुत ज़रूरी है तो मैंने ये शोपारेल का पैलेट लिया है और उसमें से ये कंसीलर लिया है ताकि वो थोड़ा सा ब्राइटन अप हो जाए मेरा फेस आप लोग देख सकते हो अभी जैसे मैं ये कंसीलर लगाऊंगी ना आप लोग फर्क देखना ठीक है तो अभी मैं ये ब्लेंड कर रही हूँ और फिर अभी दोनों साइड में फ़र्क देखना आप लोग ये वाले अंडर आइज में और ये वाले अंडर ये थोड़ा प्लेन लग रहा है राइट ये साइड का और जहाँ पे मैंने लगाया है वो कितना अच्छे से हाईलाइट हो रहा है फिर अब मैं वैसे ही यहाँ पर भी लगा रही हूँ और फिर अभी अच्छा दिख रहा है अभी मैं पाउडर से सब कुछ सील कर लूँगी तो मैंने हुडा का पाउडर लिया है बनाना ब्रेड शेड है इसका अच्छे से स्पॉन्ज से आपको भर भर के पाउडर लगाइए गाइज मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ हो जाता है जब भी उसको पाउडर से हम लोग सील करते हैं और फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है के ब्यूटी का जीरो थ्री शेड है ये मेरा शेड है मीडियम स्किन टोन के लिए और फिर आपको ऐसे ही ब्रश से अच्छे से पाउडर से सील कर लेना है अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है तो फिर आप लोग लूज पाउडर से ही सेट कर लेना ठीक है बट कॉम्पैक्ट पाउडर अच्छा कवरेज देता है और भी फिर मैंने पैक का काउटर पैलेट लिया जहां जहां पे लिक्विड काउंटर लगाया था वहां पे क्रीम सॉरी पाउडर काउंटर से उसको सेट कर लिया है और फिर मैंने लिया है ब्लश ये नताशा डेनाना का ब्लश पैलेट है आप लोग आई मैजिक का भी ब्लश पैलेट ले सकते हो सिर्फ आपको ब्लश लगाना है अच्छे से पिंक पिंक ब्लश लगाए क्योंकि ग्रीन साड़ी पहनी है मैंने फिर ब्लश लगाने के बाद आपको मेकअप फिक्सर से अच्छे से सेट से कर लेना है अपने फेस को ये बहुत ज़रूरी है गाइस ताकि पाउडर ब्लश जो भी आपने लगाया ना सब कुछ मेल्ट हो जाएगा और आप देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है अभी मेकअप फिक्सर स्प्रे करने के बाद और फिर मैं ले रही हूँ हाइलाइटर और फिर हाइलाइटर अभी लगा रही हूँ सेम पैलेट से लिया है मैंने आप लोग होजो का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो मे बी इनका यूज़ कर सकते हो जो भी हाईलाइटर आपके पास है ना आप लोग लीजिए और उसको अपने चीक बोन्स पे वगैरह नोज़ के ब्रिज पे एंड ऑल लगाइए और वापस मेकअप फिक्सर से उसको सेट कर लीजिए अभी हम लोग करेंगे वाटर टेस्ट तो मैंने ये लिया स्प्रे बॉटल उसमें पानी है और अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ अपने फेस पे और फिर एक टिश्यू पेपर लिया है उससे वाइप करके दिखाऊंगी मैं आपको अभी मेकअप निकला है कि नहीं ओके तो वाइप किया है और आप देख सकते हो अभी मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकला है गाइस तो ऐसे ही आपको मेकअप वाटरप्रूफ प्रूफ स्वेट प्रूफ बनाने के लिए आप लोग ऐसे एक्वासिल यूज़ कर सकते हो या अच्छे से पाउडर लगाओ कुछ भी चलेगा दोनों में से अभी यहाँ पे भी वाटर प्रूफ है कि नहीं देखेंगे हम लोग तो पानी स्प्रे कर रही हो वापस टिश्यू पेपर से मैंने वाइप किया है और वाइप करने के बाद आप लोग देख लेना गाइज मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकला है टिश्यू पेपर वैसा ही है और मेकअप नज़दीक से भी देखोगे तो देखो मेकअप बिल्कुल भी नहीं निकला है गाइज़ बहुत ही नेचुरल बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी बस आपको आईब्रोज़ को ऐसे ही सेट कर लेना है और मैंने एनस्तेशा का डिप पोमेड यूज़ किया है आईब्रोज कैसे फिल करना है इस पर अलग सा एक वीडियो डाला है गाइस आप लोग वो देख सकते हो अच्छे से सीख सकते हो और बस अब आई को अच्छे से फिल करना है ब्लेंड कर लेना अभी आई मेकअप स्टार्ट करेंगे आई मेकअप के लिए मैंने पी लुई का बेस लिया है आईलिट को सेट किया है ये विवेन पैलेट है बी परफेक्ट और उसमें से ये ब्राउन कलर लिया है मैंने और मैं अपना क्रीज अभी बना रही हूँ ठीक है आउटर कॉर्नर पर थोड़ा सा लगाया है और क्रीज पर ऐसे ही बिल्ड करते जा रही हूँ सेम ब्राउन कलर लिया है और बिल्ड करते जाना है ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से तो आप देख सकते हो गाइज़ मेरी हुडेड आइज है एक्चुअली मेरी क्रीज नीचे है बट मैं थोड़ा सा ऊपर अपना क्रीज बिल्ड करती हूँ ताकि आँखें खुलने के बाद भी मेरा क्रीज दिखे आई मेकअप दिखे ओके और फिर उसके बाद मैंने डार्क ब्राउन के कलर लिया है सेम पैलेट है ये बी परफेक्ट का विवियन पैलेट और फिर सेम ब्रश से मैंने थोड़ा सा ब्राउन के नीचे लगाया डार्क ब्राउन ताकि थोड़ा डेप्थ क्रिएट हो उसके बाद कट क्रीज कर रहे हैं हम लोग आज तो थोड़ा सा पिलोई का बेस लिया है थोड़ा सा आईलेट ऐसे नीचे लगा के ऊपर दिखाए ताकि वो गाइडलाइन मिले पिलोई का बेस नहीं है आपके पास तो गाइस कोई भी कंसीलर यूज़ करो कुछ भी चलेगा बस आपको कट क्रीज करना है दैट्स इट और फिर ऐसे गाइडलाइन को पकड़िए और अच्छे से अपने क्रीज को कट कर लीजिए और फिर क्रीज को कट करने के बाद मैं ग्रीन कलर लगा रही हूँ कॉर्नर पे और ये प्रो इफेक्ट्स का ब्रश है जीरो ज़ीरो फोर नाइन और फिर ऐसे ही आपको कॉर्नर पर ग्रीन लगाना है क्योंकि मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है इसलिए मैं ग्रीन लगा रही हूँ तो ग्रीन कलर लगाइए अच्छे से ब्लेंड कीजिए प्लेस कीजिए ताकि वो थोड़ा अच्छे से दिखे ग्रीन कलर आपका और फिर ग्रीन लगाने के बाद अब मैं इनर कॉर्नर पे वाइट कलर ले रही हूँ सेम ब्रश है और थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे वाइट लगा रही हूँ ताकि हाईलाइट हो आपका इनर कॉर्नर अच्छे से उसको भी ब्लेंड कर लीजिए थोड़ा सा अच्छा दिखता है वाइट आप जब इनर कॉर्नर पर लगाते हो ठीक है तो ऐसे आपको वाइट लगाना है और ये विवन पैलेट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका पिगमेंट्स बहुत ही सुपर है और फिर जो बीच में भी जगह बची है ना ग्रीन और वाइट के बीच में जहाँ पे आपको खाली प्लेस दिख रहा है ना वहाँ पे मैंने येलो कलर लगा लिया है दैट सेट कितना प्यारा दिख रहा है राइट क्योंकि येलो एकदम ब्राइट कर देता है आपके आउटफिट को आपके आई मेकअप को बहुत ही अच्छा दिखता है ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ और उसके बाद मैंने के ब्यूटी का ग्लिटर लिया है चार्ट्यूज ग्लिटर है ये ग्लू लगाया उसके ऊपर ये ग्लिटर लगाया है और जीरो जीरो वन फाइव ब्रश है ये प्रो इफेक्ट्स का उसके हेल्प से मैं ये ग्लिटर लगा रही हूँ और फिर आईलाइनर लगाया मैंने मे का आईलाइनर है ये जेल आईलाइनर और थोड़ा सा छोटा सा एक विंग बना रही हूँ और एक ब्रश लिया है प्रो इफेक्ट्स का जो विंग बना रही हूँ ना उसको तुरंत थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ मैं ये पेंसिल ब्रश है छोटा सा कोई भी पेंसिल ब्रश चलेगा आपको बस ब्लेंड करना है उसके बाद मैंने काजल लगाया है फैशन फीवर का काजल है ये ब्लैक कलर का लोअर लैश लाइन पे और लोअर वाटर लाइन पर अपर वाटर लाइन पर लगा लो ब्लेंड करो सेम ब्रश पेंसिल ब्रश और थोड़ा सा ब्राउन कलर भी लगाया है मैंने ब्लैक के नीचे उसको ब्लेंड करने के लिए तो ये हो गया मेरा और फिर उसके बाद इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा मैंने वापस मेबिलिन का जेल आई लगा के थोड़ा सा एक्सटेंड किया है फिर आई लैशेस को कर्ल किए मस्कारा लगाया मैक का मैक्स टैक मस्कारा है ये और उसके बाद आई लैशेज़ लगाए हैं शीन के आई लाशेज़ है आप लोग ब्यूटी लिश के यूज़ कर सकते हो या पैक के भी यूज़ कर सकते हो उसके बाद मैंने अर्बन डीके का ये ग्लिटर लिया है ग्लिटर आईलाइनर स्विस ब्यूटी में भी ग्लिटर आईलाइनर मिलता है गाइस बस थोड़ा सा इसे नीचे लगा लो बहुत ही अच्छा दिखता है और फिर लिपस्टिक के लिए मैंने बीट लिप पेंसिल लिया है मैक का और वो पूरे अपने लिप्स पे लगा रही हूँ तो देखो ऐसे पिंक दिख रहा है उसके बाद मैंने मेकअप स्टोरी के दो लिपस्टिक्स लिए एक सेवन और एक लेवन और फिर उसको लगाया पहले सेवन लगाया उसके ऊपर लेवन लगाया है क्योंकि सेवन थोड़ा न्यूट था और लेवन बहुत ही ज़्यादा डार्क था तो इसलिए मैंने दोनों मिक्स किया है और ये रहा मेरा फाइनल लुक मतलब फाइनल लुक मतलब, मतलब मेकअप का फिर उसके बाद बिंदी लगाया अभी हम लोग हेयर स्टाइल करेंगे तो हेयर स्टाइल के लिए मेरी फ्रेंड आई थी मुझे हेल्प करने के लिए क्योंकि यू नो मैं चाहती थी थोड़ा आज आराम से मैं अपना सिर्फ मेकअप करूँ और हेयर स्टाइल थोड़ा सा पैम्पर कर रही हूँ खुद को ब्राइड ना <laughs> तो मेरी फ्रेंड आई है वो हेयर स्टाइलिस्ट ही येगा इस आशूस का इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं कर दूंगी नीचे आप लोग देख लेना और फिर बस सिंपल हेयर स्टाइल है एगाइस मराठी ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल कर रहे हैं हम लोग तो बस आपको बीच में से एक सेक्शन निकालना है उसके बाद ईयर टू ईयर पार्टीशन ले लेके ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन लेके कर्ल्स करने हैं आपको मतलब हॉट हॉटवॉर्न लिया है मैंने मतलब जो सबसे पतला कलर होता है ना एकदम मैगी कर्लिंग बोलते हैं हम लोग इसको तो ऐसे मैगी कर्ल्स बना लिए हैं और फिर ऐसे ही दोनों साइड पे आपको ये ऐसे बनाना है अभी हम लोग ये साइड का सेक्शन कर रहे हैं और गाइज अगर आप में से कोई भी मेरे ऑनलाइन मेकअप क्लासेस और हेयर क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो ये लास्ट वीक है मार्च टेंथ को स्टार्ट होने वाला है तो जल्दी से प्रतिभा सालियन ब्यूटी ट्वेंटी सेवन एट जी मेल डॉट कॉम पर आपको ई मेल करना है रजिस्ट्रेशन के लिए इसे ही हम लोग सेकेंड सेक्शन भी कर लेंगे बस ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है सामने के बाल आपको थोड़े से कर्ल करने क्योंकि सामने थोड़ा वेरिएशन करने के लिए अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है जब भी आप लोग ऐसे कर्ल करते हो ये टेक्स्चर भी थोड़ा ऐड हो जाता है बालों में तो ऐसे ही बस देखो ये हो गया है सब कर्ल और जब देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है उसके बाद हीट स्प्रे हमने लगाया सॉरी शाइन स्प्रे लगाया उससेस का और फिर थोड़े से ये कर्ल्स खोल दिए कोम के हेल्प से अभी थोड़े से फ्रीजी लग रहे हैं बट देन यू you नो know, वो ट्विस्ट करने के बाद अच्छे लग रहे फिर जो पीछे के बाल है ना गाइज वहाँ पे एक पोनीटेल बांध लीजिए ईयर टू ईयर सेक्शन पे तो कर्ल किया है हमने ठीक है ये पीछे के मेरे जो है बाल वही है कुछ कर्लिंग वगैरह किया नहीं है मेरा ऐसे ही ये बाल तो उसको बस मैं पोनीटेल में अभी ये कर रही हूँ पोनीटेल में सिक्योर करने के बाद हम लोगों ने क्या किया एक, एक, एक एक्सटेंशन लगाया क्योंकि बाल बहुत छोटे थे राइट बहुत छोटी सी चोटी आएगी तो इसलिए एक पोनीटेल एक्सटेंशन ही लगा दिया ताकि थोड़ी जो ब्रेड हम लोग बनाने वाले हैं ना वो थोड़ी सी लंबी हो तो बस ऐसे थ्री स्ट्रैंड ब्रेड बना लिया है नॉर्मल सा ब्रेड अपना और ब्रेड बना के छोड़ दिया उसको और फिर अब ये जो फ्रंट है ना उसको बस एक 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 सेक्शन लिया है थोड़ा सा जेल लगाया है क्योंकि बहुत ही फ्रिजी है मेरे बाल तो थोड़ा सा जेल लगा के देखो ऐसे उसको बस ट्विस्ट कर रही हूँ ट्विस्ट करके पीछे हमने क्लिप मतलब यूपिन से उसको सिक्योर कर लिया है देखो ऐसे जेल लिया कोम में और थोड़ा सा ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा जेल लगाया और फिर ऐसे ट्विस्ट किया दैट सेट और फिर यूपिन से उसको पीछे सिक्योर किया सेम अभी ये साइड में भी करेंगे जेल ले लो थोड़ा सा ताकि जो फ्रीजीनेस है ना सामने वो थोड़ा कम हो जाए थोड़ा सा नीट दिखेगा आप लोग स्ट्रेट बाल में भी ऐसे ट्विस्ट करोगे तो भी चलेगा बट मुझे ऐसे कर्ल किए हुए बालों पे अच्छा लगता है थोड़ा सा मेसी दिखता है और यू नो थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम भी दिखता है और स्ट्रेट हेयर पर जब भी करते तो बहुत ही सिल्की सिल्की लुक आता है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है बट आपकी मर्जी है ओके आप जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो फिर हमने मांग टीका लगाया और फिर उसको सिक्योर कर लिया अभी जो ब्रेड डाला था राइट पीछे उसको बस ऐसे आपको फोल्ड करना है फोल्ड कीजिए ऊपर की तरफ एंड तक लेके आइए और फिर उसको एक मतलब बहुत सारे बॉबी पिन से यू पिन से उसको होल्ड कीजिए ताकि वो नीचे ना आए उसके बाद एक्सेसराइज किया जो मराठी लुक का जो आता है ना एक्सेस वो लगाया उसके बाद ईयर फिर जो थोड़ा बहुत टचअप था ब्लश हाईलाइटर मैंने लगा लिया फाइनल टचअप और गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक अभी हम लोग थोड़ा सा वाटर टेस्ट करेंगे वापस तो मैं पानी स्प्रे कर रही हूँ और वापस टिश्यू पेपर से आपको दिखाऊंगी कि मेकअप निकला है कि नहीं और नहीं निकला okay. है वाह <laughs> वैसे भी नहीं निकलेगा क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ किया है जो मेकअप वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ बनेगा जिससे ओके okay? तो देखो अब कितना अच्छा क्लीन है टिश्यू पेपर तो आपको वैसे ही करना है मेकअप ये रहा मेरा फाइनल लुक गाइज़ अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा है मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना शेयर कर रो यार तभी अपनी फैमिली बढ़ेगी राइट और आई विल बी वेरी 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 थैंकफुल टू यू इफ यू गाइज शेयर योर शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अब मैं मिलूंगी अब से नेक्स्ट वीक गाइज नए वीडियो के साथ अगर आपको ये ब्राइडल सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय टेक केयर लव यू